अब में से काफी लोग ये सोचते होंगे ना कि मेडिकल फील्ड में करियर बनाना काफी रिवार्डिंग है, इसमें काफी हाई सैलरीज होती होंगी। कई हद तक ये बात सही है, लेकिन क्या सभी मेडिकल फील्ड्स के लिए बात सही है? वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेप ऑनलाइन, और आज हम लाए हैं आपके लिए वो वीडियो जिसके अंदर इंडिया के हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पेड मेडिकल फील्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम हाईएस्ट पेड मेडिकल फील्ड्स। नंबर वन, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपके बोन फ्रैक्चर से लेकर के स्टमक एक्ट तक की जो भी प्रॉब्लम होती है उनका डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करते हैं थ्रू सिटी स्कैन्स, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज। ये सब आप रिपोर्ट्स के फॉर्म में जब आप लेते हैं तो उनको करने वाला जो डॉक्टर होता है वो रेडियोलॉजिस्ट ही होता है। और अगर इनके इनकम की हम बात करें तो ये 22 लाख पर एनम इनकी एवरेज इनकम होती है। नंबर टू है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया और यूरिनरी ब्लैडर या फिर मैं कहूँ किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ डील करते हैं और आपको हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करते हैं। और इनके अगर इनकम की हम बात करें तो पर एनम ये ऑलमोस्ट 21 लाख रुपीज कमाते हैं। नंबर तीन है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है और स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ डील करने वाले डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। अगर इनके इनकम की हम बात करें तो ये इनकी एवरेज इनकम 12 लाख पर एनम होती है। तो ये थे आपके तीन हाईएस्ट पेड मेडिकल फील्ड्स, और अब हम जानते हैं 3 लोवेस्ट पेड मेडिकल फील्ड्स के बारे में। उनमें नंबर वन है पीडियाट्रिशियंस। पीडियाट्रिशियंस वो डॉक्टर होते हैं जो आपके बेबी के हेल्थ का ख्याल रखते हैं। आपके बेबी के जन्म से लेकर के एडल्टहुड तक, या मैं कहूँ कि बेबी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके हेल्थ को अच्छी तरीके से देखरेख करने का काम पीडियाट्रिशियंस का होता है। बहुत ही काइंड डॉक्टर्स होते हैं ये। और अगर इनके इनकम की हम बात करें तो ये पर एनम जो है वो अराउंड 8-10 लाख कमाते हैं। नंबर टू है साइकेट्रिस्ट। जितना इम्पोर्टेंट आपकी फिजिकल हेल्थ है उतने ही इम्पोर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ आज के दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है, इस वजह से इस फील्ड का भी इम्पोर्टेंस आपके लिए बढ़ जाता है। ये डॉक्टर्स आपके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। इनकी इनकम की अगर बात करें तो एवरेज इनकम पर एनम 8-10 लाख होती है। नंबर थ्री, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आपके आंखों के डॉक्टर, आपके आंखों का ख्याल रखने वाले डॉक्टर्स होते हैं। आंखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे डील करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इनकी इनकम की हम बात करें तो इनकी इनकम ऑन एन एवरेज 7 लाख के अराउंड होती है पर एनम। और अगर ये डॉक्टर्स अपना पर्सनल क्लिनिक सेटअप करके रखें तो इनके अंदर इनकी इनकम ज्यादा करने का भी चांस होता है। मेडिकल फील्ड चाहे कोई सा भी हो, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। मनी इज नॉट अ प्राइमरी थिंग टू टेक केयर ऑफ इट। पैसे का अगर फैक्टर हम दिमाग में रखें तो डॉक्टर्स के द्वारा दिया गया आपको वो ट्रीटमेंट जो है उसको हम नहीं भुला सकते हैं। उनके लिए सबसे प्राइमरी थिंग वही होती है। और अगर हम बात करें कि सर उनकी सैलरीज की, तो किसी अदर प्रोफेशन के रेफरेंस में उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। एंड वी होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, एंड अगर कोई आपके व्यू है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।